नवी मुंबई नेटवर्क। नवी मुंबई के सर्द मौसम में आगरीकोली महोत्सव की अनोखी रौनक से जगमगा उठा है। आगरीकोली परंपरा संस्कृति को बढ़ावा देने, महिला उद्योजकों को मजबूत प्लेटफॉर्म देने और आज की युवा पीढ़ी को आगरीकोली संस्कृति और परंपरा से अवगत करवाने के मकसद के साथ गए 16 सालों से चली आ रही परंपरा को कायम रखते हुए अखिल आगरीकोली समाज प्रबोधन ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष और नवी मुंबई राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिलाध्यक्ष नामदेव भगत के नेतृत्व में निरोल सेक्टर 12 स्थित श्री गणेश रामलीला मैदान में भव्य आगरीकोली महोत्सव 2023 का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया है। नामदेव भगत के संकल्पना से साकार 12 दिवसीय इस आगरीकोली महोत्सव के हर दिन एक विशेष थीम के तहत आगरीकोली संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में आगरीकोली महोत्सव के सातवें दिन उमेश धूरी प्रस्तुत दशावतारी नाटक का आयोजन किया गया, जहां इस दौरान मंच के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत नाट्य मंचन ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। Thank you.
भद्रसेन या नावाने सिद्ध झाली मी हाक मारण्यासाठी. इथं प्रयोजन कशासाठी? ज्या राजदरबारात या भद्रसेनाचा अपमान तुमच्या करवी केला गेलाना, त्या भद्रसेनाने भरल्या राजदरबारात प्रतिज्ञा केली होती. म्हणून एक सारखा काळ सर्पाप्रमाणे गाव सांडण्यासाठी मी तत्पर राहत होतो. प्रसंगी आपण उपस्थित होता. माझ्या बाबाने जे काही आपल्याला कथन केलं ते सारं काही तेव्हाच तिथं संपलं. तर देव देवता धावून येतात. होय, मग या भक्तांचा अपमान भरल्या राजदरबारात सिंह केलाय. कोणत्या तऱ्हेनं? भरल्या राजदरबारात आमंत्रित करून श्रेयवर मांडलं गेलं होतं. माझ्या कलागुणाचा गौरव करण्यासाठी हे लाखपदात
सर्वांना पारितोषिक दिलाय. हिमांशु माजरेकर यांचे आणि तमाम नाट्य रसिकांचे आभार मानतो. माझ्या गणाला वंदन करून ओम निर्मल नसावा नाट्य मंडळाच्या वतीने तुमचा आनंदाने स्वीकार. गौरतलब है कि नवी मुंबई के सबसे बड़े आगरीकोली महोत्सव में हर दिन कलाकारों के प्रतिभा प्रदर्शन और लोक संस्कृति के प्रचार प्रसार का यह एक महत्वपूर्ण जरिया बनकर साबित हो रहा है. यही कारण है कि हर दिन इस रौनक के बीच आगरीकोली महोत्सव को देखने सातवें दिन भी नागरिकों का बेहतरीन प्रतिसाद देखने को मिला. ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क.